नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और इस पैकेज में है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G जो मैंने परचेस किया है अमेजोन से और यह है 8+128GB का वेरिएंट ब्लैक कलर में और मैंने इसे परचेस किया है ओनली 31,800 में, मतलब 32,000 से भी कम में मुझे पड़ा है 8+128GB का वेरिएंट। जैसे कि आपको पता होगा सैमसंग शॉप पे जो 8+128GB का वेरिएंट है आपको मिल जाता है 38,000 में, लेकिन मैंने इसे परचेस किया है 32,000 से भी कम में, तो ऑलमोस्ट मैंने 6,000 रुपीज की सेविंग की है। तो इसलिए मैंने पहले दिन इसे परचेस नहीं किया था क्योंकि काफी महंगा था पहले दिन, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सस्ता हो चुका है, आप अमेजोन पे चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसका ओवरव्यू। पहले यहाँ पे बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बैक कवर तो नहीं होगा, बुकलेट होगी, मैनुअल और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे ये फोन है और यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है, चार्जर जो है इसके साथ वो है 15 वोल्ट का चार्जर, आप यहाँ पे देख सकते हो 9 × 1.67 एम्पियर, मतलब 15 वोल्ट का है, फास्ट चार्जर है, मतलब फास्ट चार्जर भी नहीं है, सैमसंग तो कुछ भी कर सकता है, गैलेक्सी फ्लिप 3 फोन में भी 15 वोल्ट का चार्जर देता है, तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ये है टाइप A to C केबल, तो इन सभी को कर लेते साइड में और यहाँ पे देख लेते हैं फोन को, यहाँ पे इसका इसे रिमूव कर देते हैं प्लास्टिक को। दोस्तों ये है ब्लैक कलर में, आप यहाँ पे देख सकते हो मैट फिनिश आपको मिल जाती है बैक में, और ये है प्लास्टिक, लेकिन बढ़िया प्लास्टिक है, सस्ता प्लास्टिक नहीं लगेगा आपको। और यहाँ पे जो वेरिएंट है वो है 8+128GB का वेरिएंट। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के फिजिकल ओर की, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं जो फोन है एक 5G फोन है और ये 12 बैंड सपोर्ट करता है 5G के। इसके अलावा इस फोन में कैमरा में OIS है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये जो फोन है वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस है, मतलब IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आपको मिल जाता है। और बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले है 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा इसमें जो बैटरी है 4500 की है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि जो चार्जर है 15 वोल्ट का है, लेकिन इसमें जो चार्जिंग सपोर्ट करता है 25 वोल्ट तक आप चार्जिंग कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग। बैक में अगर बात करेंगे कैमरा, यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, सबसे ऊपर में है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर यहाँ पे बीच में है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ, और यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर, और यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है मैक्रो सेंसर, और ये फ्लैश है, और यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग है। बात करेंगे यहाँ पे राइट साइड में, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं वॉल्यूम बटन्स, और फिर यहाँ पे पावर बटन, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और यहाँ पे बॉटम में है स्पीकर और ऊपर में भी स्पीकर है, और ये है स्टीरियो स्पीकर के साथ आपको मिल जाता है फोन, टाइप सी पोर्ट है, फिर यहाँ पे माइक्रोफोन है, हेडफोन जैक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड ब्लैंक है, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, और इसके अलावा ऊपर में यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट है, और यहाँ पे है माइक। दोस्तों तो आपको यहाँ पे मिलता है हाइब्रिड स्लॉट, आप एक सिम मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम यूज कर सकते हो, और मेमोरी कार्ड को आप 1 TB तक यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको रबर गास्केट भी देखने मिल जाएगा क्योंकि जो फोन है वाटर रेसिस्टेंट है। दोस्तों इस फोन में है स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर जो काफी पावरफुल है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। दोस्तों यहाँ पे हम इसका सेटअप कर लेते हैं और बाद में देख लेंगे इसका ओवरव्यू। दोस्तों इसका सेटअप मैंने कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहले बात करते हैं इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये काफी अच्छे से वर्क करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं इसके इन हैंड फीलिंग की, तो ये भी काफी बढ़िया है, ज्यादा वेट नहीं है इसका, 189 ग्राम वेट है और बल्कि भी नहीं लगता, और जो थिकनेस है इसकी 8.4 mm है, तो इन हैंड फीलिंग काफी बढ़िया है। हालांकि जो बैक है प्लास्टिक का है, मैट फिनिश है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अट्रैक्टेड देखने मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलता है गूगल डिस्क और पेज, आप यहाँ पे गूगल डिस्क और या फिर सैमसंग फ्री का यूज कर सकते हो, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे
देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो फोन है फुल वन यूआई पे बेस्ड है। अगर आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में और यहाँ पे अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हो वन यूआई 3.1 एंड्रॉइड 11 और यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 1 अगस्त 2021 है। इसके अलावा यहाँ पे नोक्स जो है, नोक्स भी यहाँ पे फुल है, फ्लैगशिप लेवल की आपको यहाँ पे नोक्स सिक्योरिटी मिल जाती है एचडीएम 2.0 के साथ। और यहाँ पे बात करेंगे क्विक टॉगल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे लिंक टू विंडोज स्क्रीन डिकोडर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे है आई कंफर्ट शील्ड, डार्क मोड, और यहाँ पे प्लस के साइन पर टैप करते ही आपको मिलता है एनएफसी का सपोर्ट। इसमें सैमसंग पे भी है, म्यूजिक शेयर है, एओडी है, बिक्सबी रूटीन्स भी है, बेड टाइम मोड है। इसके अलावा यहाँ पे है किड्स मोड, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, डॉल्बी एटमोस और सिक्योर फोल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप बात करोगे यहाँ पे स्टोरेज की, तो ये है 128 GB का वेरियंट। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में स्टोरेज में, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अब 21% यूज है, मतलब यहाँ पे अब अवेलेबल है 102 GB, तो ऑलमोस्ट मतलब 101 GB अवेलेबल है, 101 GB आपको यहाँ पे यूजेबल मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। तो आप यहाँ पे हाई या स्टैंडर्ड चूज कर सकते हो, हाई मतलब 120Hz और स्टैंडर्ड मतलब 60Hz। इसमें अच्छी बात यह है कि जो फोन है इसमें सारे जो सैमसंग के एप्स होते हैं, जैसे गुडलॉक भी सपोर्ट करता है, सैमसंग पास भी है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, सीए सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, 4G+ का सपोर्ट, तो आप अच्छे से नेटवर्क का यूज भी कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में स्पीकर मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर। और यहाँ पे अगर आप इसे प्ले करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड मेरे हिसाब से उतना लाउड नहीं है, हालांकि स्टीरियो स्पीकर है लाउड भी है, लेकिन उतना लाउड नहीं है जितना मैंने गूगल पिक्सल 4 में देखा है या फिर वन प्लस नोट 2 में देखा है, उतना लाउड नहीं है। लेकिन जब आप डॉल्बी एटमॉस का यूज करते हो तो जो लाउडनेस है थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो स्पीकर इसके एडिक्वेटली लाउड है, ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे है, तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में जैसे मैंने आपको बताया क्वाड कैमरा सेटअप है, और फ्रंट में है 32 MP का कैमरा, और यहाँ पे ये नॉर्मल मोड, ये है अल्ट्रा वाइड, 123 डिग्री तक अल्ट्रा वाइड हो जाता है, और ये है जूम, इसको आप यहाँ पे 10x तक जूम कर सकते हो। और यहाँ पे फिर आपको जो दूसरे मोड है वो मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे वीडियो है, वीडियो में आप यहाँ पे फुल एचडी 30fps 60fps भी रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे मोड में आपको मिलते हैं अलग अलग ऑप्शन, जैसे AR नूडल है, प्रो मोड है, प्रो मोड में यहाँ पे फुल प्रो मोड है जिसमें आपको यहाँ पे ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर, ऑटो फोकस, फिर वाइड बैलेंस का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। शटर स्पीड आपको यहाँ पे मैक्सिमम 10 सेकंड तक ही मिलती है और यहाँ पे मिनिमम 1/6000। यहाँ पे बात करते और दूसरे मोड्स की, तो यहाँ पे प्रो मोड के बाद है पैनोरामा, फूड, नाइट मोड, मैक्रो, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मोड मतलब आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे दूसरे अलग अलग जो इफेक्ट्स है वो देखने नहीं मिलते, जैसे आपको दूसरे वन यूआई के फोन में देखने मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाद में प्रो वीडियो, तो आपको यहाँ पे प्रो वीडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है, आप यहाँ पे प्रो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि आप यहाँ पे एक ही लेंस में कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा लेंस नहीं दिया हुआ है शायद, तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में प्रो मोड का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करोगे आप मोर में, तो यहाँ पे है सुपर स्लो मोशन 480fps, स्लो मोशन 240fps और हाइपर लैप्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फिर यहाँ पे सिंगल टेक का ऑप्शन, आप यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो यहाँ पे 3 शॉर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे फन मोड, स्नैप मोड जिसे कहते हैं, स्नैपचैट के लिए जिसे हम कहेंगे यहाँ पे फन मोड, तो आपको यहाँ पे फन मोड भी मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग आपको यहाँ पे फिल्टर्स मिल जाएंगे स्नैपचैट में, जो आप यूज करते हो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे है सीन ऑप्टिमाइजर, इसके अलावा है फॉर्मेट एडवांस में अल्ट्रा वाइड करेक्शन का ऑप्शन, यहाँ पे है हाई एफिशिएंसी वीडियोस, वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन, ऑटो एचडीआर, इसके अलावा यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन भी है यहाँ पे, और स्नैपचैट के लिए यहाँ पे जो लेंसेस है, फिल्टर्स है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वाटरमार्क आप यहाँ पे इस तरीके से एडिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं गैलरी की, तो गैलरी में आपको यहाँ पे फीचर्स सभी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर नहीं मिलता जो दूसरे फ्लैगशिप के फोन में मिलते हैं सैमसंग के फोन में। हालांकि F62 में फीचर मिलता है ऑब्जेक्ट इरेजर का, लेकिन इसमें वो अभी तक ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं गैलरी में, ये भी अच्छी बात है। दोस्तों बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है काफी बढ़िया है, आप यहाँ पे देख सकते हो HDR में यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ 1080p फॉर्मेट में।
दोस्तों इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, तो आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना किसी अनाउंसमेंट के। इसके अलावा यहाँ पे मैसेज के दो ऐप है, एक है गूगल का मैसेज ऐप और एक है सैमसंग का मैसेज ऐप। ये रहा सैमसंग का मैसेज ऐप, आपको यहाँ पे इसे इनेबल करना पड़ता है। सबसे पहले ओके करेंगे और डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे सैमसंग मैसेज को सिलेक्ट करना है, सेट एज डिफॉल्ट। उसके बाद आप सैमसंग मैसेज को यहाँ पे यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे गूगल मैसेज का ऑप्शन तो मिलता ही है, लेकिन आप इस तरीके से सैमसंग मैसेज को इनेबल कर सकते हो। और दोस्तों ये था, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इतने फीचर्स मिलते हैं और ये है इस तरीके का ओरियो इसका। तो यहाँ पे आपको फुल वन यूआई के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं देखने के लिए जो होने चाहिए। हालांकि कैमरा मोड में आपको एक फीचर देखने नहीं मिलता जो है पोर्ट्रेट वीडियो, मतलब बैकग्राउंड ब्लर करके आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ये फीचर इसमें मिसिंग है, ये होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे फुल वन यूआई के सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ये मुझे लगता है काफी वैल्यू फॉर मनी फोन हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे 32,000 में परचेस किया है। तो 32,000 के हिसाब से जो फीचर्स इसमें मिलते हैं, हार्डवेयर की बात करेंगे, स्पेक्स की बात करेंगे, तो काफी बढ़िया है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में? अगर आपको ये फोन 8+128GB का वेरियंट 32,000 में मिलता है तो क्या आप इसे परचेस करोगे? आपकी क्या राय है आप मुझे बता सकते हो कमेंट उसमें। हालांकि मेरे हिसाब से काफी अच्छा एक सैमसंग का फोन है, 38,000 में जो मिलता है सैमसंग शॉप में और प्राइस है, लेकिन अगर आपको ये फोन 32,000 के अराउंड में मिल रहा है तो काफी एक बढ़िया डील है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो अगर आपको एक बढ़िया सा सैमसंग का फोन चाहिए अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छे स्पेक्स के साथ, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, कई सारे वीडियोस आने वाले हैं इस फोन के ऊपर, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।